हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और ठीक होने भी चाहिए। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। ये होली का त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, तो होली का मौका है इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये दही बड़े की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी से और बहुत फटाफट से बनने वाले। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले ये मैंने ले ली है दाल। इसको मैंने रात में फुला दिया था और इसके बाद मैंने इसे पीस लिया है एकदम बढ़िया से। और ये मैंने ले ली है बारीक वाले सेब। जो बारीक वाले सेब मिलते हैं ना, ये आराम से कहीं भी मिल जाएंगे, तो ये मैंने ले लिए हैं। ना हो तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और टेस्ट तो थोड़ा सा देखो बढ़ता ही है। इसके साथ ही ये मैंने ले लिया है चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, साथ में ये लाल मिर्ची पाउडर, और ये मैंने लिया है जीरा। जीरे को मैंने भून लिया है, इसका भी पाउडर कर लेंगे। साथ में ये मैंने लिया है सिंपल नमक, और ये ले लिए हैं मैंने थोड़े से अनार के दाने। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, मेरे पास थे इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे देखने में खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और एकदम मार्केट वाला लुक आता है। तो इन सारी चीज़ों से ही दही बड़े बनकर तैयार होंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इधर ये ले ली है मैंने दाल, और इसमें मैं डालूंगी बहुत थोड़ा सा नमक, बिल्कुल एक पिंच के करीब ही। और मैं इसमें बिल्कुल सोडा वगैरह का यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी हमारे बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होने वाले हैं। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, इसे एक ही डायरेक्शन में चलाना है। थोड़ा सा मेहनत तो लगती है, लेकिन ये बनते बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट। ध्यान रहे कि डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, एक ही डायरेक्शन में चलाना है, जिस भी डायरेक्शन में आप चलाते हो उसी में। और इसको ना हमें बहुत अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें एयर आ जाए और ये जो दाल है ना हमारी फूल जाए। अभी आप देखें कि अभी आपको कम लग रही है, और धीरे धीरे जब मैं इसे फेटूंगी ना तो इसका कलर भी एकदम वाइट हो जाएगा और ये काफी अच्छे से फूल जाएगी। तो चलिए मेहनत जारी रखते हैं और दाल को फेंटते हैं। इधर देखिए, दाल को लेकर ये मेहनत जारी है, तो मैं इसे लगातार फेंट रही हूँ और आप देख सकते हैं कि दाल कितनी बढ़िया से फूल चुकी है। इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी है और इसका कलर भी थोड़ा वाइट हो चुका है। थोड़ा सा और फेंट लेते हैं इसे हम। और उधर मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है इनको तलने के लिए। तो बस देखिए, दाल हमारी अच्छे से फेंटी जा चुकी है, तो बस अब बनाते हैं। इधर ऑयल गरम होने के लिए रखा था और ये अच्छे से गरम हो चुका है, तो हम पहले थोड़ा सा डालकर देखेंगे। ये जब ऊपर आ जाए तो इसका मतलब ऑयल हमारा एकदम परफेक्ट गरम हो गया है। और उधर मैंने ना पानी गरम होने के लिए रखा है, जब ये वड़े हम इसमें से निकालेंगे तो फिर हम गरम पानी में उन्हें डाल देंगे। तो बस अब बनाते हैं। चाहे तो आप चम्मच से बनाएं, चाहे तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से बनाकर बताऊंगी। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है, जैसे जैसे ये सिकते जाएंगे अपने आप ही ऊपर आते चले जाएंगे। इधर वड़े हमारे सिकने लगे हैं क्योंकि ये ऊपर आने लगे हैं, यही इसकी पहचान है। हमें इन्हें बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है, जब ये ऊपर आ जाएं उसके बाद ही हमें इन्हें पलटना है। तो सारे वड़े अपने आप ही ऊपर आ चुके हैं और मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें सेकना है, क्योंकि फ्लेम अगर मैं हाई रखूंगी ना तो ये ऊपर से तो एकदम रेड हो जाएंगे और अंदर से फिर इनमें कच्चापन रह जाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ है अगर मतलब थोड़ा टाइम लेती है तलने में, तो उसे मीडियम फ्लेम पर ही सेकना चाहिए। बीच बीच में मैं इनको हल्का सा अलट पलट कर रही हूँ। और आप देखिए, मैंने इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला है, फिर भी ये देखना, अभी आप जब मैं इन्हें सर्व करूंगी तब आपको दिखाऊंगी इन्हें कट करके कि ये कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। सिर्फ दाल को ही फेंटने का मेन काम होता है, जितना अच्छा आप दाल फेंटेंगे उतने ही परफेक्ट आपके
दही बड़े बनकर तैयार होंगे, उतने ही सॉफ्ट। हल्के हाथों से मैं इन्हें अलट पलट रही हूँ और देखिए इनका कलर चेंज भी होने लगा है। इधर देखिए हमारे दही बड़े एकदम परफेक्ट सिक कर तैयार हैं, तो मैं इन्हें निकाल लूंगी। कलर भी इनका बहुत बढ़िया सा आ चुका है और ये अंदर से भी बहुत अच्छे से सिक चुके हैं, तो निकाल लेंगे अब इन्हें एक प्लेट में। इधर देखिए कितने गोल गोल, कितने फूले फूले ये हमारे दही बड़े सिककर तैयार हुए हैं। अब बाकी का जो बचा हुआ बैटर है उससे भी हम बना लेंगे। तो इस बार लेते हैं थोड़ा हाथों से काम, हाथों से बनाते हैं। बस इस तरीके से लेना है। इधर देखिए दोबारा की भी मैंने डाल दी है और ये लास्ट में थोड़ा सा ज्यादा बैटर बचा था, तो मैंने सोचा एक बड़ा सा ही बना देती हूँ। अलट पलट कर इन्हें भी हम उस तरीके से ही सेक लेंगे। इधर देखिए ये भी सिककर तैयार हो चुके हैं, इन्हें भी मैं निकाल लूंगी। ये देखिए ये ले लिया है मैंने पानी, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और उसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग और इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे इस टाइम, क्योंकि गुनगुना पानी है तो हींग भी ना एकदम मेल्ट हो गई है पानी में जाकर, तो उससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस तरीके से। और अब क्या करना है, ये जो बड़े हमने सेके थे इन्हें हमें डाल देना है इस पानी में और लगभग 10-15 मिनट बाद ही ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस मैं इसे ढक देती हूँ, उसके बाद फिर हम 10-15 मिनट बाद इन्हें सर्व करेंगे। इधर इन्हें रखे हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम देख लेते हैं। तो देखिए बड़े हमारे एकदम परफेक्ट फूल चुके हैं, तो चलिए अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए मैं ले लूंगी ये बाउल और इनका पानी हल्का सा निकाल देंगे और इसमें लगा लेंगे इन्हें। आप देखिए कितने सॉफ्ट ये हो चुके हैं। दही ये बड़े मैंने लगा दिए हैं, इसके ऊपर मैं डालूंगी ये दही फेटा हुआ। इसके बाद खट्टी चटनी, धनिया, हरी मिर्च और टमाटर की, साथ में ये मीठी वाली चटनी, इसके साथ ही नमक, थोड़ा सा काला नमक, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर। जीरे को देखिए मैंने हाथों से इस तरीके से ही कर लिया है डालते टाइम पर ही। इसके साथ ही थोड़ा सा चाट मसाला, ये बारीक वाले सेब और थोड़े से अनार के दाने, वापस से थोड़ी सी दही फैला देंगे, थोड़ी सी चटनी और डाल देंगे, थोड़ी सी सौंठ और वापस से थोड़ी सी बारीक वाले सेब। तो बस हमारे ये बहुत ही टेस्टी से, बहुत ही सॉफ्ट से दही बड़े बनकर तैयार हैं और देखने में भी ये कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट है, मैं आपको ये कट भी करके दिखाती हूँ।
देखिए बहुत ही सॉफ्ट से हमारे दही बड़े बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं, पास से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही बढ़िया ये बने हैं। तो है ना, बनाना कितना आसान, कोई बेकिंग पाउडर नहीं, कोई बेकिंग सोडा नहीं, एकदम सिंपल तरीके से बस दाल को अच्छे से हमें फेंटना है एक ही डायरेक्शन में, और उसके बाद फिर हमें इन्हें बना लेना है दाल जब हमारी अच्छे से फूल जाए। तो चलिए, यही थी मेरी एक बहुत ही मज़ेदार सी दही बड़े की रेसिपी। तो वीडियो और रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस होली पर इन्हें ट्राई भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।